ये देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ये RGB कीबोर्ड। काफी बढ़िया थीम है इस RGB कीबोर्ड का और बैकग्राउंड की वजह से तो और भी बढ़िया लग रहा है ये कीबोर्ड। सो हेलो एवरीवन, मैं टेक ग्रो ऑफिशियल स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल RGB कीबोर्ड काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक स्मार्टफोन के कीबोर्ड को एक RGB कीबोर्ड में चेंज कर सकते हो, वो भी काफी इजी तरीके से। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो लेट्स रोल द इंट्रो। इट्स हार्ड टू ब्रीथ बट दैट्स ऑलराइट। हश। सो गाइज, आपको अपने नॉर्मल कीबोर्ड को एक RGB कीबोर्ड में चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है नियोन LED कीबोर्ड। ठीक है, ये ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली से वहाँ से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक मतलब ये ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस ऐप को आपको सिंपली से ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम विजिट करोगे ऐप को, तो आपको कुछ नियोन इफेक्ट टाइप का एक मतलब वेलकम करेगा ये ऐप आपको। ठीक है, तो हमारा कुछ अलग इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा स्टिकर स्टोर। ठीक है, स्टिकर स्टोर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा इसमें। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मैंने एक इमोजी मतलब एक स्टिकर डाउनलोड करके रख रखा है। ठीक है, तो आप भी यहाँ से काफ़ी सारे स्टिकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी स्टिकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको ये वाला जैसे कि ये वाला स्टिकर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड पे क्लिक हम करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जितने भी स्टिकर्स आपको दिखा रहे हैं इसमें वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हम पीछे चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बैक करेंगे। सो गाइज, पीछे आने के बाद मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ कि कैसा है हमारा स्टिकर। तो टाइप समथिंग में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे इमोजी के पास जाएंगे। ठीक है, इमोजी पे जाने के बाद स्टिकर पे जाएंगे। तो ये देखो गाइज, ये हमारा स्टिकर है। दो स्टिकर हमने डाउनलोड कर रखा है जो कि हमारा यहाँ पे आ गया है अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ से काफ़ी सारे स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेकंड नंबर पे थीम का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट ही इसमें आपको कुछ मतलब कि ये वाला थीम आपको डिफ़ॉल्ट ही दिया होता है इस ऐप में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। तो मैं आपको पहला वाला थीम दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये थीम है हमारा पहला वाला। तो काफ़ी बढ़िया थीम है, मतलब कि सबसे मतलब कि काफ़ी बढ़िया थीम है ये वाला। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोबारा थीम में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर वाला मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। गेट थीम पे क्लिक करेंगे। गेट थीम के थीम पे क्लिक करने के बाद आप इसका यहाँ से मतलब कि स्पीड कलर का स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम पीछे जाएंगे। तो पीछे जाएंगे हम एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये देखो गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये वाला थीम। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे थीम पे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको थर्ड वाला थीम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से स्पीड कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो ये गेट थीम पे क्लिक करेंगे। थीम हमारा अप्लाई हो गया। हम पीछे चलेंगे। पीछे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये थीम कैसा लग रहा है। ये देखो गाइस, ये थीम भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप यहाँ से काफ़ी सारे थीम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप सिंपली से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इजिली उसको यूज़ कर सकते हो। फिर हम पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऐड मतलब कि माई फोटो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आप अपना फोटो ऐड कर सकते हो, यानी कि अपने कीबोर्ड का बैकग्राउंड में फोटो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक फोर्थ नंबर पे एक बैकग्राउंड स्टोर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक स्पेसिफिक कलर भी चूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड के लिए। ठीक है, तो ब्लैक कलर बढ़िया होता है कीबोर्ड के लिए, तो मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर रखा है और डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही सेलेक्ट रहता है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप कोई बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड के लिए, जो भी बैकग्राउंड चाहिए। इसमें अभी न्यू ईयर 2021 का ही है, 2022 का ऐड नहीं हुआ है। तो जब आप ऐड होगा ना तब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कोई एक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं, 2021 वाले सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अप्लाई हो गया हमारा बैकग्राउंड। पीछे चलेंगे। पीछे चलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, कितना ऑसम लग रहा है हमारा बैकग्राउंड। कीबोर्ड का बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, लैंग्वेजेस का। तो इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तमिल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इंग्लिश देखने के लिए मिल जाएगा, अफ्रीकन देखने के लिए मिल जाएगा, अरेबिक देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने कीबोर्ड के लिए जो आप सेलेक्ट करोगे ना लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपके कीबोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आप यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लास्ट में।
तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड लेआउट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा नंबर वन पे, जिसमें कि आप अपने कीबोर्ड के लेटर्स के बीच का स्पेस यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड ऑडियो का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें कि आपका ये ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो अपने कीबोर्ड में मतलब कि जो साउंड चाहते हो तो आप ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मैं आपको एक दो प्ले करके दिखा देता हूँ साउंड, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आप जिस साउंड को सेलेक्ट करोगे तो जब आप उस कीबोर्ड पे टाइप करोगे ना तो उस वो साउंड आपका यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉन्ट कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यानी कि अपने कीबोर्ड के लिए आप काफ़ी सारे फॉन्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम जैसे कि फॉन्ट पे क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट अपने कीबोर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज इनपुट स्टाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सो नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वाइब्रेट्स ऑन की प्रेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मैंने इसको इनेबल कर रखा है, आप भी इसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको इनेबल कर लोगे तो जब आप अपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करोगे ना तो वहाँ पे आपका जो की फिंगर में वाइब्रेशन फील आएगा तो वो आप काफ़ी बढ़िया फील होता है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद शो स्पेशल की का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, पॉपअप की का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इनेबल गेस्चर इनपुट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सजेस्ट कॉन्टैक्ट नेम्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी सारे इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो गाइस यही थी हमारी आज की ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स आपके आपके पास टाइम टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।